हॉल में हैं हम लोग, और देखिए, हाँ देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये 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 देखिए ये देखिए ये देखिए ये हमको जो आदेश मिलेगा ये देखिए ये जेपी यूनिवर्सिटी है, सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। जेपी यूनिवर्सिटी में सीनेट के बैठक के दौरान सवाल पूछने पर पत्रकार मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की, आखिर ऐसा क्या बात था कि उनके साथ धक्का मुक्की हुआ? आखिर क्या सीक्रेट ऐसी बातें थी मीटिंग हॉल में कि मनीष कश्यप के जाते ही सब में चिड़चिड़ापन हो गया और धक्का मुक्की करने लगे? आखिर इस मीटिंग में किस प्रकार की चर्चा होती है, किस चीज का प्लान बनाया जाता है? 3 साल का कोर्स 5 साल में भी पूरा नहीं होता है, सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग। और एक सच्चा पत्रकार जो सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप को मीटिंग हॉल में प्रवेश करते ही और सवाल पूछने पर सभी लोग भड़क गए, आखिर ऐसा क्यों? यह देखिए यह देखिए ये देखिए ये हमको जो आदेश मिलेगा ये देखिए ये जेपी यूनिवर्सिटी है, सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। देखिए ये है यूनिवर्सिटी, और एक कड़वा सवाल पूछ देने पे सबके अंदर खलबली मच गया कि इन लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, सबके अंदर खलबली मच गया और धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है। यानी सही सवाल इन लोगों से पूछा नहीं जा सकता है, जरा सोचिए फिर मीटिंग ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये लोग जवाब नहीं देंगे? ये लोग 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ये सब गरीब के बच्चे हैं और इस सीनेट हॉल में बैठने वाले किसी भी आदमी का बच्चा जो है जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। सच्चाई यह है कि यहां पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। इस प्रकार से बिहार में जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम है, जरा सोचिए। और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, कोई भी विधायक सांसद का बच्चा नहीं है, यहाँ तक कि इसमें पढ़ाने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें से 90% लोगों का बच्चा जो है ना इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। और जिस सिक्योरिटी गार्ड से ये लोग धक्का मरवा के निकलवा रहे हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी समय पर नहीं दिया जाता होगा। इन लोगों को भी जो 32,000 रुपया दिया जाना है वो नहीं दिया जाता होगा। 10 दिन से दौड़ रहे हैं, मतलब से थी मार्क्सिस्ट सुधारने, भैया आपके भी बच्चा का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, उस दिन कोई आवाज नहीं उठाने आएगा, याद रखिएगा। आप हमको धक्का मार रहे हैं ना, हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं भैया, याद रखिएगा हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको 32,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, आपको समय पे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, आपको भी नहीं आदेश का जाइएगा आज का आदेश। कितने साल से बच्चे ले रहे हैं, क्यों नहीं बनाया जा रहा भविष्य? सुनिए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कितने दिन तक बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा? क्यों ऐसा किया जा रहा है बताइए, आप ही बताइए। कौन सा सवाल जो है गलत है? ये देखिए, ये सभी लोग परेशान है और परेशानी पर सवाल करना क्या गुनाह है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक की क्या जरूरत है? जब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक है, क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक? और भारत के किसी भी कोने में बिहार को छोड़ के यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक आता है क्या? क्यों बंदूक है यूनिवर्सिटी के अंदर? बाहर होना चाहिए बंदूक, बच्चे क्या सीखेंगे? ये सच्चाई है। और कड़वा सवाल पूछने पे जो है ना सबकी जलती है, ये बात सत्य है।
एक प्रोफेसर के बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है, एक अमीर आदमी के बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है, सबका सब जो है गरीब के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि हर दिन मीटिंग होता है, मीटिंग के नाम पे चाय कॉफी पैसा सब लूटा जाता है। और क्या इस विश्वविद्यालय की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति, जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा आप बाहर देखे होंगे, जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने इस देश में सबसे बड़ा क्रांति किया था और उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। बच्चों का 5-5 साल सेशन लेट चल रहा है। उस प्रतिमा को बनाने के लिए छात्र संघ ने चंदा इकट्ठा किया और उस प्रतिमा को लगाया, आज तक उनको छत मुहैया नहीं हुआ। और ये देखिए, सुनिए, ये देखिए, ये वीआईपी गाड़ी किसका है? वाइस चांसलर का। इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर फॉर्चूनर पे चढ़ते हैं, फॉर्चूनर पे। ये देखिए, ये फॉर्चूनर पे नंबर देखिए, वीआईपी नंबर है 6500। वाइस चांसलर फॉर्चूनर पे चढ़ेंगे और ये सभी लोग जो है ना, वीआईपी लोगों का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। सीनेट में मीटिंग के लिए सभी लोग आए हैं, सभी, ये देखिए सभी लोग। और बच्चे जो है दर दर की ठोकरे खा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ये देखिए। और बच्चे क्या चीज से आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं ई रिक्शा से, इससे टोटो से आ रहे हैं। और ये देखिए, जयप्रकाश नारायण जी भी जो है ना, आज शर्मिंदा होंगे कहीं नहीं तो कहीं, कि इनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी बना है उसमें जबरदस्त धांधली होता है। और देखिए, अगर मैं जूता पहन के इसके ऊपर चढ़ जाऊं तो 75 को बवाल होगा। और यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जयप्रकाश नारायण का जो प्रतिमा लगा है वो देखिए कितना गंदा है, देख सकते हैं, देखिए कितना गंदा है। कौवा के हग रहा है कौवा। जयप्रकाश नारायण भी जो है ना, आज रो रहे होंगे। और देखिए ये, और इसी रास्ते से फॉर्चूनर पे भीसी साहब बैठ के जाते हैं, फॉर्चूनर पे। उनको फुर्सत नहीं है जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा भी कम से कम साफ करा दे। और जब सवाल किया जाता है ना तो धक्का मार के निकाल देते हैं ये लोग, जरा सोचिए। आइए, सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और इन सब चीजों को दिखाइए। क्या बोलूं, सही है, आप इसीलिए धक्का मार के निकाला जाता है। और मेरे ऊपर जब केस होगा ना तो आप लोग साथ भी नहीं देते हैं। साथ देंगे, साथ क्यों नहीं देंगे? सही है, धक्का मारने वाले लोग कितने? 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50। यहाँ पे स्टूडेंट कितना है? यहाँ पे स्टूडेंट कितना है? सभी लोग खड़े हो जाएंगे ना तो वो लोगों को अंदर। 5000 है, 5000 स्टूडेंट है, 5000। धक्का मारने वाले कितने लोग? और देखिए, धक्का मारने वाले कितने लोग? हमारे छात्र हित को लेकर आमरण अनशन पर हम थे। मर जाइएगा, क्या फायदा? आमरण अनशन पर क्या फायदा? आप बोलिए, पिछले पूरे लोगों का जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ सत्ता लोभी लोग बैठे हुए हैं, जो पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कुर्सी से हटना नहीं चाहते। परमिशन मांगेंगे तो ये लोग घुसने देंगे? बिना परमिशन? ये बच्चों का यूनिवर्सिटी है और बच्चा बिना परमिशन कहीं भी जाएगा, कुछ भी सवाल करेगा। ये चीज है कि मूर्ति लगाने के लिए 17 साल हम लोगों ने आंदोलन चलाया, चंदा पे मूर्ति लगाया गया, छतरी नहीं लगा आज तक, ये छतरी नहीं लगा, बताइए। हम बात करेंगे, बार बार देखिए सर। अच्छा, मैंने सवाल गलत किया उन लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों के हक के लिए लड़ सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो सबसे पहले करते हैं सबके साथ, जो जो आवाज उठाता है उनको धमकाते हैं या उनको पुलिस का रवैया दिखाते हैं, रौब दिखाते हैं और उनको डांटा से पिटवाते हैं। पुलिस किसके लिए बनाया गया है? पुलिस भ्रष्ट लोगों को खींच के जो है जेल में डालने के लिए बनाया गया। ये देखिए सामने बच्चों का भविष्य जो है किस प्रकार से रखा गया है, देखिए वहाँ पे 3 साल पढ़ाई 6 साल में करवा रही है। और जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं पुलिस के डंडे द्वारा हम पे लाठी बरसाया जाता है। जब भी आंदोलन यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, हम लोग पे केस होता है। विश्वविद्यालय मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ की 3 साल की डिग्री 5 साल में दी जाती है। हम लोगों का बात कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है। कैसे आपका बात सुनेगा? आपका सिर्फ बात बोलेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, महिला